सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है R15S वर्जन 3 वर्सेस R15M 2023 वाला वेरिएंट्स ही दोनों बाइक रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ आप लोगों को बाइक में डिफरेंसेस रहने वाले हैं बेस वर्सेस टॉप। सो R15 सीरीज की अगर अपन बात करते हैं तो टोटल आप लोगों को 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। बेस रहता है अपना R15S यानी कि वर्जन 3, फिर आ जाता है वर्जन 4, फिर टॉप ऑफ द लाइन आ जाता है यानी कि बिग डैडी R15 सीरीज का R15M। काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच ये बाइक हो जाती है। इससे पहले V4 वर्सेस M और V4 वर्सेस S ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ आप लोगों को बेस वर्सेस टॉप रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग के साथ ताकि आप लोग ज्यादा रिलेट कर सको वीडियो में कि क्या कुछ आप लोगों को एक दोनों ही प्राइस पे करने के बाद आउटकम मिलने वाला है। R15S आपकी स्टार्ट होती है 2.05, 205,000 ऑन रोड जयपुर R15S कॉस्ट करने वाली है, और M कॉस्ट करने वाली है 2.39, लगभग 240 भी इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो ऑन रोड प्राइस जयपुर रहने वाली है ये, सो 2.04 और 2.39, तो ये रहने वाली है भाई अपनी प्राइसिंग। काफ़ी सारी चीज़ें दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को सेम भी रहने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा भाई डिफरेंसेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट 150cc सेगमेंट की बाइक हो जाती है R15M। M का बजट नहीं है तो V4 भी ले सकते हो, और V4 का बजट नहीं है तो आप लोग S भी प्रीफर कर सकते हो। 2.05 में काफ़ी बेस्ट ऑप्शन S भी हो जाता है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो टोटल दो कलर ऑप्शन में आपको R15S मिलने वाली है। ये है अपना रेसिंग ब्लू, ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज आप लोगों को इस कलर ऑप्शन के साथ मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक रहता है डार्क नाइट मैट ब्लैक वाला कलर थीम आप लोगों को दूसरा वाला रहने वाला है, उसमें भी ग्लॉसी ब्लैक अलॉय ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इस टाइप से ये रहने वाला है अपना R15S। सिंगल सीट आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। अभी पूरी डिटेल में बात करने वाले भाई, इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को YouTube पे नहीं मिलेगा, तो अगर कंफ्यूज्ड हो R15 सीरीज में तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। R15M के कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो सिंगल कलर थीम के साथ आप लोगों को R15M अवेलेबल रहने वाली है। यही वाला कलर एक R1M इंस्पायर्ड कलर थीम आप लोगों को R15M में मिलने वाला है, और भाई इस कलर के साथ ग्लॉसी ब्लू अलॉय मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच ये बाइक आपकी हो जाती है। सबसे मेजर चीज़ क्विक शिफ्टर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, लैप टाइमर मिल जाता है विद अपना, उसमें भी आपको मोड्स मिल जाते हैं, राइडिंग मोड्स भी है, ड्यूल चैनल ABS आप लोगों को खैर दोनों ही मिल जाते हैं। उसके साथ साथ एक ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप लोगों को R15M में मिलने वाला है। अभी पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई क्या कुछ है ये अपना रहने वाला है लेटेस्ट वेरियंट विद अपना LED फ्लैशर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्या कुछ आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में। पहले बात करेंगे सिमिलर क्या क्या है, तो सबसे मेजर चीज़ इंजन आप लोगों को सेम है, वही सेम 155cc का लिक्विड कूल्ड आप लोगों को इंजन मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स में, यानी कि तीनों ही वेरियंट में V4 भी आप लोगों को सेम ही इंजन रहने वाला है। इस टाइप से इंजन अपना विजिबल रहने वाला है, एक सेपरेट विंडो आप लोगों को मिल जाती है, ऑयल चेंज का जो आपका कैप है वो भी आप लोगों को यहीं मिल जाता है। ये काफी अच्छी चीज है, ये आप लोगों को तीनों ही में सेम मिलने वाली है। अभी S की भी आप लोगों को मैं शेप दिखा देता हूं, और अपोजिट साइड से देखते हैं तो कुछ इस टाइप का अपना इंजन यहां से विजिबल रहने वाला है। पावर की बात करते हैं तो 18.4 BHP का पीक पावर है, और 14.2 NM का आप लोगों को पर टॉर्क मिलने वाला है। इंजन है अपना 155cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वाल्व, सो सेम इंजन आप लोगों को मिलने वाला है। और S की अगर अपन बात करते हैं तो वही सेम सेटअप आपको S में भी मिलने वाला है, इस टाइप का अपना इंजन विजिबल रहने वाला है। कलर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टिकरिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है, और प्राइसिंग में भी, पर S में कोई डिफरेंसेस आप लोगों को कलर ऑप्शन के नहीं रहने वाले। मेजर डिफरेंस रहता है प्राइसिंग के अकॉर्डिंग V4 में, यानी कि अपना जो मिड वाला वेरियंट रहता है उसमें। उसके बाद जो सबसे एक मेजर चीज़ सेम रहने वाली है सीरीज में वो है भाई टायर्स का सेटअप। तो इस टाइप का अपना फ्रंट टायर रहने वाला है, 100 सेक्शन का MRF का ही टायर आप लोगों को तीनों ही बाइक्स में मिलने वाला है। ये अपना पैटर्न S का, M का देखते हैं तो वही सेम पैटर्न आप लोगों को M में भी मिलने वाला है। उसके अलावा जो ग्रेडिंग है दोनों ही बाइक्स की, या फिर कह सकते हो वेरिएंट के अकॉर्डिंग, वो सेम है। अलॉयज का जो शेप है ये भी आप लोगों को सेम है, बस कलर में डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पैटर्न अपना हुआ सेम, उसके साथ साथ जो ग्रेडिंग है वो भी आपकी सेम ही रहने वाली है। 100 सेक्शन का अपना फ्रंट है, रियर भी आप लोगों को टायर का सेटअप सेम ही रहने वाला है। ये रहा भाई अपना M का, तो 140 सेक्शन का अपने को रियर में टायर मिलने वाला है। पैटर्न अपना कुछ इस टाइप का है। S का देख लेते हैं तो S में भी वही सेम आप लोगों को पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। रियर लुक बाइक का प्रॉपर दोनों ही का सेम रहने वाला है, टायर का सेटअप भी सेम है, प्लस टायर हगर भी आप लोगों को सेम ही रहने वाला है, और टेल टाइड वाला यूनिट जो है ये भी आपका सेम ही रहने वाला है, और जो अपना टेल लैम्प है वो भी आपको शेप सेम ही रहने वाला है। इग्निशन ऑन कर लेते हैं तो ये कुछ अपना लाइटिंग सेटअप, M का ऑन रहने वाला है, LED में ही आप लोगों को कंप्लीट लाइटिंग सेटअप मिलता है M में। ये रहा अपना LED में DRL जो कि इग्निशन के साथ ऑन रहने वाले हैं। हेडलैम्प यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है प्रोजेक्टर विद LED, और LED में ही अपने को इंडिकेटर का सेटअप भी मिलने वाला है। रियर लुक देख लेते हैं तो रियर इस टाइप से रहने वाला है अपना ऑन होने के बाद। नंबर प्लेट का बल्ब अपना हेलोजन में ही है, आप कर लेते हैं ऑन S को। तो S का MID में भी आप लोगों को मेजर डिफरेंस है पता ही है, वहाँ पर आ जाता है भाई अब कलर TFT स्क्रीन और फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। इसमें आप लोगों को इस टाइप का मिलने वाला है जैसे कि अपना MT में भी मिलता है। रियर लुक दोनों का ही सेम है,
यहाँ से आप लोग देख सकते हो साइड बाई साइड, ये रहा अपना नंबर प्लेट का बल्ब जो कि हेलोजन में ही रहने वाला है, और हेडलैम्प सेटअप जो इग्निशन के साथ ऑन है वो कुछ अपना इस टाइप का रहने वाला है। सो एस में अगर अपन बात करते हैं तो हेडलैम्प ही सिर्फ अपना एलईडी में रहने वाला है, बाकी फ्लैशर्स वगैरह यानी कि इंडिकेटर अपना सिर्फ हेलोजन में ही है। तो यहाँ पर सिर्फ अपना हेडलैम्प है एलईडी में, एम में कंप्लीट लाइटिंग सेटअप एलईडी हो गया है। थर्ड मेजर चीज़ जो कि सेम रहने वाली है तीनों ही बाइक्स में आप लोगों को, वो है भाई ब्रेकिंग सेटअप। और ब्रेकिंग, टायर, सस्पेंशन रियर वाला सेम है, फ्रंट वाला चेंज रहने वाला है। वहाँ पर अपसाइड डाउन है, यहाँ पर टेलीस्कोपिक ही आप लोगों को मिलता है, और V4 में भी टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला, वहाँ पर भी आप लोगों को अपसाइड डाउन ही मिलने वाला है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो सारा सेटअप आपको सेम है, वाइब्री की फ्रंट ब्रेकिंग आप लोगों को मिल जाती है और रियर रहने वाली है अपनी निसिंग की। अपन चेकआउट करते हैं, इस टाइप से 282mm का फ्रंट डिस्क मिल जाता है। तीनों ही बाइक्स में आप लोगों को ड्यूल चैनल ABS ही रहने वाला है। एक डिफरेंस की ही बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वाइब्री का आप लोगों को कैलिपर मिलने वाला है फ्रंट में, तो ब्लैक कलर का आप लोगों को मिलता है एस में, पर एम में ये आप लोगों को रहने वाला है इस फिनिश में, गोल्ड फिनिश में आप लोगों को मिलता है वाइब्री में। और KYB का अपसाइड डाउन सस्पेंशन आप लोगों को मिल जाता है एम में, जो कि एक थोड़ा सा अलग फैक्टर बन जाता है। अपसाइड डाउन ही आप लोगों को मिलता है V4 में भी, इस टाइप से एक चेंज है, पर डिस्क का साइज़ अपना सेम है, 282mm का फ्रंट मिल जाता है, और रियर अपना रहने वाला है 230mm का निसिन की ब्रेकिंग के साथ। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को सेम ही ये वाला सेटअप भी रहने वाला है। सीट की बात कर लेते हैं जो कि चेंज रहने वाली है, और इसकी वजह से आप लोगों का जो सिटिंग पोस्चर है दोनों ही बाइक्स में वो आप लोगों को चेंज रहने वाला है। क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोगों को दोनों में ही मिलने वाला है, पर इसका भी शेप आप लोगों को चेंज मिलेगा, जो कि एक काफ़ी मेजर हो जाता है। ये रहा भाई अपना एस का, तो जो अपना मेन पार्ट है जिसमें कि अपना ग्रिप कवर अटैच्ड है, यहाँ से ये आप लोगों को मिलता है सस्पेंशन के ही एक लाइन में। उसके अलावा जो सीट मिलती है अपने को यहाँ पर वो रहने वाली है सिंगल सीट। सो ये रहा अपना पैटर्न, और स्ट्रैप मिलने वाला है दोनों में ही, क्योंकि ग्रैब रेल सच कोई अवेलेबल नहीं है। एम में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलने वाली हो, और R15M की एम्ब्रॉयडरी वाली मार्किंग मिल जाती है, प्लस एक कार्बन वाला टेक्सचर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एम के हैंडल बार की, तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा स्टैंडिंग वाला मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है सिटिंग पोस्चर में। सीट हाइट हालांकि दोनों ही बाइक की सेम है, 815mm 815mm की दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को सीट हाइट रहने वाली है, ये भी सेम है, प्लस फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है ये भी आपकी सेम रहने वाली है, हालांकि टैंक का शेप जो है वो चेंज रहने वाला है। ये रहा अपना एस का फिंस वाला पार्ट, आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा, पर शेप चेंज है, R15S की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये रहा अपना फ्यूल कैप, यामा का लोगो आप लोगों को यहां पर मिलता है जेल वाला, सो ये क्रोम वाला नहीं है, जेल वाला रहने वाला है। 11 लीटर की टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में रहने वाली है। टैंक देख लेते हैं एम का, तो एम का ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आने वाला है। सेंटर वाला पार्ट अपने को मिलने वाला है ग्लॉसी फिनिश में, प्लस ब्लू में आप लोगों को स्ट्रिप वाला स्टिकरिंग का काम मिल जाता है। R15M का एक एम्बलम यहाँ पे मिलेगा। ये रहा भाई अपना जो फ्यूल कैप है, इस टाइप से फिंस वाला पार्ट आप लोगों को एम पे भी मिलता है। ये वाला जो शेप है ये आप लोगों को चेंज मिलता है एम में, और एम में यामा का लोगो मिलने वाला है आपको क्रोम वाला, जो कि कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा। फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में एक जो फ्रंट फेसिया है या फिर कह सकते हो फ्रंट लुक है, ये चेंज दोनों ही बाइक्स में रहने वाला है। सबसे मेजर मडगार्ड का जो शेप है, ये देख सकते हैं अपन एम का और एस का, कुछ बिल्कुल आप लोगों को बेसिक सा ही रहने वाला है, और दोनों ही कलर ऑप्शन में आप लोगों को फ्रंट मडगार्ड मिलेगा मैट ब्लैक फिनिश में। ये एक चेंज हो जाता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा वो चेंज आप लोगों को मिलता है। फ्रंट में देखते हैं तो इस टाइप से अपना रियर व्यू मिरर है, ये आप लोगों को फोल्डेबल रहने वाला है, और इस टाइप के सेम फिनिश में ही सेम शेप में आप लोगों को एस में भी मिल जाते हैं। नंबर प्लेट का क्लैंप आ जाता है, ये अपना सेमी डार्क विंडस्क्रीन, और फ्रंट लुक अपना कुछ इस टाइप का है, ये एक फेक एयरवेंट वाला लुक है, यहाँ पर कोई एयरवेंट वर्किंग नहीं है। R15S की ब्रांडिंग आ जाती है। एम में देखते हैं तो R15M की ब्रांडिंग यहाँ पर लेती है, स्टिकरिंग का काम भी मिल जाता है, और इस टाइप से रियर व्यू मिरर रहते हैं। ये अपना नंबर प्लेट का क्लैंप। एक डिफरेंस और जो कि काफ़ी मेजर है, पर ज़्यादा लोग उस पर ना ध्यान नहीं देते, ये वाला जो अपना कर्व है विंडस्क्रीन का, सो ये आप लोग देख सकते हो एस का है, काफ़ी वाइड है, यानी कि इसका जो एरिया है कवर कर रहा है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं एम की, तो एम का थोड़ा सा आप लोगों को ही ज़्यादा कर्व देखने को मिलेगा, एरिया कम कवर कर रहा है और कर्व ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिफरेंस क्या है, तो वो बाइक के दोनों ही बाइक्स के एरोडायनामिक्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है एयर कटिंग में, और फ्रंट लुक जो है M और V4 थोड़ा सा कॉम्पैक्ट नज़र आएगा इसकी वजह से। ये रहा भाई आपका S, तो देख सकते हो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट साइज आ जाता है। एक और डिफरेंस की बात करते हैं तो R15M में जो स्विंगा में ये आप लोगों को रहने वाला है सिल्वर फिनिश में, यहीं S में देखते हैं सॉरी, तो ये आप लोगों को मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। उसके अलावा जो इस थीम के साथ आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है वो है भाई आपका हीट शील्ड का कलर, ये अपना हीट शील्ड है फाइबर में ही, पर ये रहने वाला है अपना सिल्वर फिनिश में, कुछ इस टाइप से इसका लुक आएगा। और
एस में कुछ अपना इस टाइप का आप लोगों को मिलने वाला है, वही मैट ब्लैक फिनिश में, प्लस यहाँ पर आप लोगों को कार्बन वाला टेक्सचर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्विचेस की, जो कि एक मेजर चेंज हो जाता है एम के साथ। पहले देख लेते हैं एस का किस टाइप का आप लोगों को मिलेगा। उससे पहले सबसे मेजर चीज़ आप लोगों को जो दोनों ही बाइक में रहने वाली है वो है स्लिप एंड असिस्ट क्लच, जिसकी वजह से क्लच का फील सुपर स्मूथ आप लोगों को R15 सीरीज में मिल जाता है। स्विचेस देख लेते हैं तो हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला 3-in-1 स्विच यहाँ पर जाता है। ये अपना इंडिकेटर इस टाइप से ड्यूल बजर में काफी लाउड होना आप लोगों को मिल जाता है। राइट साइड पे किल स्विच है प्लस आपका स्टार्टर मिल जाता है। इस टाइप से बार एंड आप लोगों को फाइबर में ही मिलने वाले हैं। सो ये हुआ अपना एस का। अब देख लेते हैं एम में, जो कि आप लोगों को मेजर चेंज अब हो चुका है अपडेट के साथ। वही स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर भी मिलने वाला है, काफ़ी स्मूथ इसका फील हो जाता है। हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच आप लोगों को यहाँ पर रहने वाला है। ये अपने तीनों स्विच आ जाते हैं MID से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये हो चुका है, अभी देखते हैं इसको भी। ये अपना इंडिकेटर सेम ड्यूल बजर वाला होना आप लोगों को मिल जाता है। R15M की ब्रांडिंग आप लोगों को शॉप पे भी मिलने को मिलेगी, जो कि ब्लू कलर ऐड कर रहा है डैश के साथ, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर 3-in-1 एक स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। प्लस M में आप लोगों को कंपनी से ही हजार्ड लैम्प भी मिलने वाले हैं, जो कि M में और V4 में मिलते हैं। S में ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहने वाली। फ्रंट से लुक देख लेते हैं हजार्ड ऑन होने के बाद। सो ये रहा इसका पैटर्न। अगर आप लोगों को चेंज करना है तो ये चीज़ आप लोग आफ्टर मार्केट इसका पैटर्न वगैरह सब इंस्टॉल करवा सकते हो। ये रहा भाई अपना कुछ डैश एस का। तो पहले बात कर लेते हैं MID सेटअप के बारे में, एस की कि किस टाइप का आप लोगों को MID यहाँ पर रहने वाला है। ऑफ करते हैं तो CU इस टाइप से पूरा आएगा, आप ज़्यादा विजिबल रहेगा। स्टार्टअप अपना कुछ इस टाइप का है, हाई बडी। साइड में सारी वार्निंग लाइट्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। हार्ट बीट वाला फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर रेवल्यूमीटर की लाइट पर मिल जाता है। गियर इंडिकेटर यहाँ पर अभी शो हो रहा है, क्लॉक ये आ जाता है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज या वहाँ की मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी एस में अवेलेबल नहीं है, है ना। 2023 में कोई भी ना अपडेट एस के साथ नहीं आया, और देख लेते हैं क्या कुछ स्विचेस में आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। यह आ जाता है पर 100 किलोमीटर बाइक ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, यह आ जाता है एवरेज पर 100 किलोमीटर कितना दिया, यह आ जाता है अपना रियल टाइम एवरेज, आ गया अपना ऑडोमीटर और Trip 1, Trip 2 और Trip F वापस आ जाता है क्लॉक। तो ये हुआ अपना सेटअप एस का कंप्लीट। अब चलते हैं एम की तरफ। सबसे पहले यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, यामा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, जिसके बाद ये और ज़्यादा ना इन्फॉर्मेटिव हो जाता है MID सेटअप। स्टार्टअप चेक करते हैं पहले। सो कुछ इस टाइप का अपने को MID का स्टार्टअप यहाँ पर मिलेगा। कलर TFT स्क्रीन अब मिल जाता है लॉन्च अपना 2023 वाले वेरियंट के साथ। यहाँ पर गियर इंडिकेटर है, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्लॉक, ये अपना RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, VVA वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी Trip 1 शो हो रहा है, फ्यूल ट्रिप यहाँ पे शो हो रहा है, ये भी ना काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। स्विचेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पे, अप डाउन प्लस सेलेक्ट ये आ जाता है। सो चेंज करके देखते हैं तो ये आ जाता है अपना करंट फ्यूल, यानी कि अपना फ्यूल अभी कितना है और उस फ्यूल में कितना बाइक चलने वाला है, तो एक रेंज की तरह भी इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ये आ जाता है एवरेज फ्यूल, एवरेज स्पीड क्या रही बाइक की, बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप यानी कि ट्रिप मीटर में कितना फ्यूल है और उस फ्यूल में कितना ही बाइक ना ट्रिप कर सकती है। अपोजिट वाले पे देख लेते हैं इस वाले पे क्या कुछ है, तो यह था Trip 1, Trip 2, ऑडोमीटर और Trip 1, तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर रहने वाला है। कर लेते हैं बाइक्स को स्टार्ट। तो काफ़ी स्मूथ स्टार्ट अपना आप लोगों को दोनों का ही मिलने वाला है, और प्रॉपर जो एग्जॉस्ट नोट है या फिर स्टार्टअप है, पावर है, आप लोगों को सेम है, जैसे कि अपनी बात हो ही चुकी है। एस को भी कर लेते हैं स्टार्ट, तो सेम स्टार्टअप है बिल्कुल, काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप आप लोगों को मिलेगा। और VVA जो अपने को यहाँ पर मिलता है ना, उसकी वजह से एक तो वाइब्रेशंस भी आप लोगों को कम फील होंगे और एक अपना जो पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा फील होगा। थोड़ा सा रेव कर लेते हैं, अब करते हैं एस को। सो कैसा लगा आप लोगों को साउंड कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सी बाइक आप लोग लेने का प्रेफर कर रहे हो, एस, V4 या फिर M, ये चीज़ भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। पर भाई अगर बजट है तो M को ही प्रेफर करो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक तो ये डिज़ाइन यानी कि कलर थीम आप लोगों को मिल जाता है, जो कि एक भीड़ से अलग अटके वाला मैटर हो जाएगा, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच M भी हो जाती है। और अगर बजट नहीं है, R15 ही लेनी है, तो S भी आप लोग प्रेफर कर सकते हो। तो करते अब तक ये वाला वीडियो एंड। होप कि आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी डिटेल मिल ही चुकी होगी। प्राइस की बात अपनी वीडियो के स्टार्ट में हो ही चुकी थी, 2.04 और 2.39 ऑन रोड जयपुर प्राइस रहने वाली है। शोरूम की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, कॉल करके और सारी ही डिटेल आप लोग ले सकते हो। करते अपने ये वाला वीडियो एंड, और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।